देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का कर्ज 1 मई से सस्ता हो जाएगा। SBI के मुताबिक 1 मई से 1 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज सस्ते हो जाएंगे, लेकिन वहीं 1 मई से SBI में डिपॉजिट की दरें भी घट जाएंगी। दरों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने की वजह से ग्राहकों को अपने आप दरें घटने का फायदा मिलेगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क नियम के तहत ये पहले करने वाला SBI देश का पहला बैंक होगा। SBI के किए ऐलान के मुताबिक RBI की दरों में बदलाव का फायदा ग्राहकों को फौरन देने के मकसद से सेविंग डिपॉजिट और कम अवधि के कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला 1 मई 2019 से लागू होगा। हालांकि इससे SBI के सभी ग्राहकों को फायदा नहीं होगा। नया नियम सिर्फ उन खातों पर लागू होगा जिनमें 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि होगी। एक्सटर्नल बेंचमार्क नियम के तहत लोन्स में फ्लोटिंग ब्याज, रेपो रेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश या यील्ड जैसे बाहरी मानकों से जोड़ी जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि RBI के पॉलिसी रेट घटाते या बढ़ाते ही कस्टमर्स के लिए लोन भी फौरन सस्ते या महंगे हो जाएंगे। फिलहाल बैंक अपने कर्ज पर दरों को प्रिंसिपल लेंडिंग रेट यानी PLR, बेंचमार्क प्रिंसिपल लेंडिंग रेट यानी BPLR बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट को फंड बेस लेंडिंग रेट यानी MCLR जैसे आंतरिक मानकों के आधार पर तय करते हैं। फिलहाल सभी बैंक ये प्रणाली नहीं अपनाएंगे। वैसे तो एक्सटर्नल बेंचमार्क का नियम अप्रैल 2019 से प्रभावी होने वाला था। RBI ने दिसंबर 2018 में ऐलान किया था कि वो अप्रैल 2019 से पॉलिसी रेट कट में एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम लागू करेगा, लेकिन फिलहाल ये नियम लागू नहीं होने जा रहा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष 2019-20 की पहली मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग नियम अप्रैल 2019 से लागू नहीं होगा। इसके चलते RBI द्वारा मुख्य ब्याज दरों में की गई 0.25% की कटौती का फायदा SBI कस्टमर्स को तुरंत मिलेगा, जो 1 मई 2019 से लागू होगा। यानी 1 अप्रैल से SBI से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा।